भाई इससे पहले ना मैं इस चैनल पे 10,000 रुपीज के अंदर पीसी बिल्ड की वीडियो लेके आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी जितना ज्यादा आप लोगों ने इस वीडियो में प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर प्यार के साथ में आप लोगों के कुछ डाउट्स भी आए हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट करी है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और बहुत से लोगों ने बोला है कि प्रशांत भाई हमें बेस्ट पीसी बिल्ड सेटअप बताओ अंडर ₹20,000 में। मैंने सोचा क्यों नहीं, लेकिन 20,000 में भी सिर्फ पीसी सेटअप नहीं, कंप्लीट पीसी बिल्ड इंक्लूडिंग मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जितने भी पार्ट सीपीयू में होते हैं वो सभी के सभी पार्ट, मतलब आप लोगों को 20,000 रुपीज के अंदर आज एक ऐसा पीसी बिल्ड मिलने वाला है जिसमें आप हाई एफपीएस पे गेमिंग भी कर पाओगे। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे कि प्रशांत भाई हमें ट्रेडिंग करनी है उसके लिए पीसी बताओ, तो आप लोग ट्रेडिंग भी कर पाओगे और ऑब्वियसली बेस्ट होने वाले हैं अगर आप एक स्टूडेंट हो आपके लिए, या अगर आपका कोई ऑफिस का वर्क है, आप एम्प्लॉय हो, तो सबसे बेहतरीन ये पीसी आपके लिए रहने वाला है। इवन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस पीसी में आप लोग GTA 5 भी खेल सकते हो, इवन फ्री फायर भी खेल सकते हो, और इस पीसी में ना भाई आप गेमिंग भी कर सकते हो, वो भी काफी बेहतरीन तरीके से। वीडियो के लास्ट तक देखिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा। फ्री फायर वगैरह तो बहुत आसानी से खेल सकते हो, लेकिन आप लोग GTA 5 भी खेल सकते हो 20,000 रुपीज के पीसी बिल्ड सेटअप में। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अपना नाम तो आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी और आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल प्रोडक्ट बाजार। मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस आपके चैनल पे आती रहती हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं भाई मदरबोर्ड से, और मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पीसी का। तो यहां पर हमने लिया है भाई फ्रंटेक की तरफ से आने वाला H61 DDR3 मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम भी करता है। इस मदरबोर्ड में आपको डुअल रैम ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब आप 8 8 GB की दो रैम इस मदरबोर्ड में कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा 1155 सॉकेट आप लोगों को मिल जाता है और एक साल की वारंटी के साथ में ये मदरबोर्ड आप लोगों को मिलता है। प्राइस की बात करें तो आज की डेट में 3,000 रुपीज इसका प्राइस होने वाला है, और मैं जितने भी कॉम्पोनेंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ इस कस्टम पीसी बिल्ड सेटअप में, उन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके ऑर्डर करके इस पीसी को काफी इजीली घर पे असेंबल कर सकते हो। अब चलो मदरबोर्ड तो हो गया, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर ही मेनली काम करता है। तो यहां पर भाई हमने लिया है इंटेल का i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर, 3040 नाम से आता है। ये जो प्रोसेसर है ना भाई, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में आपको 3.4 GHz की टॉप क्लॉक स्पीड मिल जाएगी। ये 2 कोर पे काम करता है और 4 थ्रेड पे ये प्रोसेसर काम करता है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहने वाला है अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना है या गेमिंग करनी है। तो आज की डेट में इस प्रोसेसर का प्राइस है 2,200 रुपीज। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं रैम के बारे में। अब भाई ये पीसी भले ही 20,000 रुपीज के अंदर है, लेकिन हमने यहां पर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। यहां पर हमने लिए कंसिस्टेंट की 8 GB DDR3 रैम। बेसिकली कंसिस्टेंट की काफी बढ़िया स्पीड की आप लोगों की ये रैम मिलती है, लगभग 1600 MHz की जो है ये रैम है, एंड काफी बढ़िया तरीके से काम करेगी। मतलब बेसिकली ये बेस्ट इन सेगमेंट रैम है दोस्तों, कोई ऐसी नॉर्मल रैम नहीं है, बेस्ट इन सेगमेंट रैम आप इसको मान सकते हो। और कंसिस्टेंट इस रैम पे आपको 3 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी देता है, मतलब अगर रैम में कुछ हो जाता है तो 3 साल के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस होकर नई रैम मिल जाएगी। तो ये तो थी नॉर्मल चीज। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, और वो कौन सा होने वाला है, गेमर्स लोग जानते होंगे, वो होने वाला है ग्राफिक कार्ड। तो भाई 20,000 रुपीज के अंदर एक अच्छा ग्राफिक कार्ड चुनना वास्तव में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे, आप कहीं और से पीसी बिल्ड कराओगे, कोई वीडियोस देखोगे ना, तो आप लोगों को काफी सस्ता पीसी बिल्ड तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें यूज्ड कंपोनेंट लगे रहेंगे, उसमें नए कंपोनेंट्स अपने को नहीं मिलेंगे, पुरानी सेकंड हैंड कंपोनेंट्स जो है आप लोगों को लगा के ज्यादातर लोग बेचते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग आपको फर्स्ट क्लास ब्रांड न्यू कंपोनेंट्स के साथ में एक बहुत ही बेहतरीन पीसी बिल्ड बता रहे हैं। तो यहां पर भाई हम ग्राफिक कार्ड भी फिर डेफिनेटली बढ़िया ही लेंगे। तो यहां पर हमने लिया भाई एसस की तरफ से आने वाला एनवीडिया जीफोर्स GT730 ग्राफिक कार्ड। ये ना भाई बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज्यादा एफिशिएंट ग्राफिक कार्ड होने वाला है। इसमें आपको 2 GB DDR5 मेमोरी मिलती है और 5,010 MHz की मेमोरी क्लॉक स्पीड आप लोगों को मिल जाती है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है, इसमें आप 60 FPS पे गेमिंग कर सकते हो। मतलब बेसिकली अगर आपको HD पे गेमिंग करनी है ना 720 पिक्सल में, तो ये ग्राफिक कार्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाला है। तो अब कॉफी आ गई है, कॉफी के साथ में कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस वाले ग्राफिक कार्ड में ना, जो आप लोग पिछली बार मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि फ्री फायर खेल पाएंगे ना, तो फ्री फायर तो भाई बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इससे आप खेल सकते हो। और इसमें आप एक साथ 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको ट्रेडिंग करनी हो या कोई भी मल्टीटास्किंग करनी हो ना,
तो बहुत ही बेहतरीन ये वाला ग्राफिक कार्ड आप लोगों के लिए रहने वाला है। 2 साल की वारंटी के साथ में आता है एसस की तरफ से और आज का प्राइस आज की डेट में होने वाला है 4300 रुपीज। अब चलिए तो ग्राफिक कार्ड की बात होगी, लेकिन अब पावर सप्लाई की बात भी तो जरूरी है, क्योंकि पावर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे सीपीयू को पावर देना। तो यहाँ पर हमने लिया है भाई ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला 450 वोल्ट वाला SMPS। ये 2 साल की वारंटी के साथ में आप लोगों को मिलता है भाई, काफी बढ़िया तरीके से पावर सप्लाई करेगा आपके पूरे सिस्टम को और लगभग आज की डेट में 600 रुपीज के आसपास इसका प्राइस है। अब आपको स्टोरेज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले पीसी में ना आप लोगों को HDD भी मिलेगी और SSD भी मिलेगी, मतलब दोनों तरीके की स्टोरेज आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों हमने यहां पर ली है कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाली 128GB की SSD, 6GB/s का दोस्तों इसका इंटरफेस है, 540MB/s की इसकी स्पीड है और काफी बढ़िया तरीके से बूस्ट करती है आपके पीसी को और जितनी भी हैवी फाइल्स होती है उनको काफी जल्दी से लोड कर। 1 साल की वारंटी के साथ में SSD आपको मिलती है और 1300 रुपीज इसका रेट है आज की डेट में। अब बात करते हैं HDD की। तो यहाँ पर भाई कंसिस्टेंट की 500GB की हमने यहाँ पर HDD ली है ताकि आप लोगों को अच्छी खासी स्टोरेज मिल पाए। हालांकि आप इस HDD और SSD की जगह एक सिंपल SSD भी लगा सकते हो 512GB की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट उससे बजट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। खैर बात करें इस HDD की, तो इसमें भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और इसका प्राइस लगभग होने वाला है 1400 रुपीज। अब इसके अलावा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट होता है भाई, वो होता है फैन। तो यहाँ पर हमने एक CPU फैन भी लिया है जिसकी कीमत काफी कम है, अराउंड 250-300 रुपए के बीच में वेरी करती रहती है, बट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाला। मोटी मोटी ना लगभग सारी चीजें हो गई है। अब बात करते हैं कैबिनेट की। तो भाई हमने यहाँ पर लिया है इस पीसी के लिए फ्रंटेक का कैबिनेट। ये कैबिनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है एंड काफी कम प्राइस में भी आप लोगों को मिल जाता है। इस कैबिनेट का प्राइस आज की डेट में होने वाला है 1000 रुपीज। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत से लोग कंसिडर नहीं करते हैं पीसी बिल्ड में, वो है मॉनिटर। तो यहाँ पर भाई हमने फ्रंटेक का ही मॉनिटर लिया हुआ है। ये है भाई फ्रंटेक का 17 इंच मॉनिटर जो कि काफी बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अगर आपको गेमिंग करनी हो तो भी बढ़िया तरीके से काम करेगा, और गेमिंग के अलावा अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी हो, स्टूडेंट हो या आपको कोई ऑफिस का काम हो, तो भी सबसे बेहतरीन मॉनिटर ये वाला रहने वाला है। प्राइस की बात करें तो आज की डेट में लगभग 3400 रुपीज इस मॉनिटर का प्राइस होने वाला है। फुल HD 1080p के रेजोल्यूशन आप लोगों को इस मॉनिटर में मिल जाएंगे, 65Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है दोस्तों, एक VGA पोर्ट और एक HDMI पोर्ट मिल जाता है और इसके साथ में 300 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर आपको वीडियोस भी देखनी है, सर्फ भी करना है, तो बहुत ही बेहतरीन ये मॉनिटर रहने वाला है अंडर दिस प्राइस रेंज। अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट आता है भाई माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो। तो यहाँ पर भाई आप ज़ेब्रोनिक्स का माउस और कीबोर्ड कंसीडर कर सकते हो। इवन मैं खुद ज़ेब्रोनिक्स का जो है माउस कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ और काफी बढ़िया जो है प्रोडक्ट्स होते हैं। इस माउस कीबोर्ड का आपको कंबाइन प्राइस पड़ेगा अराउंड 500 रुपीज। और बात करें वारंटी की, तो 1 साल की वारंटी आपको इन माउस कीबोर्ड पे मिल जाती है। तो ये तो हो गया भाई आपका कंप्लीट पीसी बिल्ड अंडर ₹20,000, जिसमें आप सारे काम कर सकते हो वो भी बहुत आसानी से। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर को ये पीसी सपोर्ट करेगा, कौन कौन से गेम आप इस पीसी में खेल सकते हो और किस किस चीज के काम आ सकता है ये पीसी। तो विंडोज की बात करें तो विंडोज XP टू विंडोज 11 काफी आराम से आप इस पीसी में रन कर सकते हो। MS ऑफिस की भी सारी ऐप चल जाएगी, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वे सारे के सारे इस पीसी में काफी बढ़िया तरीके से रन हो जाएंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से गेम को ये पीसी सपोर्ट करता है। इस चीज में आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे। तो ये पीसी भाई GTA 5 को भी सपोर्ट करता है 720p लो सेटिंग्स पे, काउंटर स्ट्राइक गो को भी सपोर्ट करता है, रॉकेट लीग, गॉड ऑफ वॉर 3, बैटलफॉल 4, फार क्राई 4, वेलोरेंट, पबजी पीसी, फ्री फायर और BGMI मोबाइल जैसे गेम को आप 720 HD पिक्सल पे 30fps के साथ में काफी बेहतरीन तरीके से खेल सकते हो। दोस्तों ये पीसी बिल्ड सबसे बेहतरीन रहने वाला है अगर आपको इस तरीके गेम्स खेलने हैं, तो इस प्राइस रेंज में ना आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब इन सभी पार्ट्स के प्राइस ना थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिन पे दिन होते रहते हैं, लेकिन आप लोग अगर इन पार्ट्स को ऑर्डर करके घर पे पीसी को असेंबल करोगे ना, तो आप लोगों का 20-21,000 रुपीज का बजट पड़ने वाला है इस पीसी के लिए। और अगर आप कहीं बाहर से ऐसा पीसी खरीदते हो ना, तो आप लोगों से एटलीस्ट 25-30,000 रुपीज कोई भी इजीली ले लेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कस्टम सारे पार्ट्स खरीदिए, जितने भी मैंने आप लोगों को पार्ट्स बताए हैं उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से कंपनी के पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, आप लोगों के पास बिल भी रहेगा, वारंटी इशू भी नहीं रहेगी और घर पे लाके 5 मिनट लगते हैं पीसी को बिल्ड करने में। आप पीसी को बिल्ड भी कर सकते हो और काफी बढ़िया तरीके से इंजॉय कर सकते हो। स्टूडेंट्स हो या अगर आपका ऑफिस का काम है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ये पीसी रहने वाला है अंडर दिस प्राइस रेंज। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप लोगों ने बोला था तभी ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। कैसी लगी ये वीडियो ये जरूर आप लोग नीचे कमेंट करके बता दे। अगर पसंद आई हो तो अपनी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस आपके इस चैनल पे आती रहती है।
सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्रशांत चौधरी.